Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी एग्जाम के लिए 4-5 दिन बाकी है. प्रिपरेशन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है. बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं. इसी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस में अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसका पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो और ये क्वेश्चन बैंक भी आपको ऑनलाइन मोड पर ही मिलने वाली है. इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के अलावा 4 मेगा टेस्ट भी इंक्लूडेड है जो टाइमर लगाकर आपको सॉल्व करनी है ताकि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए. तो ये जरूर लीजिए. यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे फर्दर क्वेरीज पूछ सकते हो. आज का जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर 2020 से लिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें महाराष्ट्र का मैप दिया हुआ है और पूछा है विच मैप मेकिंग मेथड इज यूज्ड इन द एडजेसेंट मैप. ऑप्शंस में काउंटर लाइन मेथड, लेयर टेंटिंग मेथड, डिजिटल इलेवेशन मेथड एंड नन ऑफ द अबव, इस तरीके से दिए हुए हैं. आइए पहले जान लेते हैं ये मेथड्स क्या है. इसमें ग्राफ किस तरीके से, ग्राफ नहीं मैप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं. सो टाइप्स ऑफ मैप, काउंटर लाइन मेथड, लेयर टेंटिंग मेथड एंड डिजिटल इलेवेशन मेथड. फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज काउंटर लाइन मेथड. This is used to show unevenness of landform on the map. यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हिल है. हिल को अगर हम साइड से देखें तो हम देख सकते हैं कहीं कहीं जेंटल स्लोप होता है, कहीं कहीं स्टीप स्लोप होता है. हाइट जो होती है हिल की हो या किसी शहर की हो, वो हम सी लेवल से हमेशा काउंट करते हैं. तो यहाँ पर ये हाइट 100, 200, 300 जितने भी मीटर है तो उसके हिसाब से ये हाइट यहाँ दिखाई गई है और उसके हिसाब से हम सर्कल ड्रॉ करके ये काउंटर लाइन मेथड से मैप ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्टीप सबसे टॉप में 600 मीटर पर जो भी पीक है वो सबसे बीच में आ रहा है. उसके बाद जो हाइट कम होते जाएगी उस हिसाब से ये सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं. अब इनमें दो सर्कल में जितना डिस्टेंस आता है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है. अंडरस्टूड, समझ में आया. फिर देखो लेयर टिंटिंग मेथड. इसमें काउंटर लाइन मेथड के ऊपर ही ये बेस्ड है. जहां पर एक बार हमने काउंटर लाइन मेथड के लिए ग्राफ मैप ड्रॉ कर लिया तो उसमें कलर्स फिलअप किए जाते हैं विच बिकम्स लेयर टिंटिंग मेथड. ये जो मैप है वो काउंटर लाइन मेथड से बनाया हुआ है. हाइट के हिसाब से देखो ये 500 मीटर हाइट पर एक रिवर शुरू हो रही है, बह रही है. वही रिवर यहां पर भी दिखाई गई है और इसके अलावा 400 मीटर की हाइट पर इस तरीके का एरिया है, 300 मीटर की हाइट पर इस तरीके का, 200 और उसके बाद लेस देन 200. अब इसमें अगर हम कलर फिल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो बन जाती है लेयर टेंटिंग मेथड. यहाँ पर हाइट इन मीटर्स मोर देन 400 के लिए अलग कलर, 300 to 400 मीटर्स के लिए अलग कलर, 200 to 300 मीटर्स के लिए अलग और लेस देन 200 के लिए अलग कलर यूज करते हैं. तो कलर्स अगर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा क्लियर हो जाता है जो यहाँ पर यूज किया हुआ है. फिर देखो नेक्स्ट है डिजिटल इलेवेशन मेथड. तो यहाँ जो इमेज दिखाई गई है इस तरीके का मैप हम गूगल मैप्स में देखते हैं बहुत बार. इसमें एक्चुअल इमेज ली गई है, सैटेलाइट से ये इमेज ली जाती है एंड दिस
actually shows where the elevations are there, where the steep slope is there. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पर भी वही रिवर है, सेम मैप का उन्होंने तीनों चीजें बना के दिखाया हुआ है. तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस इन हाइट ऑफ लैंडफॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये जो मैप होते हैं, ये फिजिकल मैप्स, ये मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान, इस काम के लिए यूज किए जा सकते हैं. तीनों मेथड एक ही इमेज में ली गई है, काउंटर लाइन मेथड, लेयर टेंटिंग मेथड, डिजिटल इलेवेशन मेथड. इस वीडियो में ये सारी मैप की जो मेथड की इमेजेस है वो स्टैंडर्ड फिफ्थ की पार्ट वन की टेक्स्ट बुक से ली गई है, और जो क्वेश्चन की इमेज है वो मेनका पब्लिकेशन की ऑफिशियल बुक से ली गई है. तो ये मैप अगर देखो तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ मेथड नहीं दिखाई दे रही है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ऑलराइट, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. अभी 2-3 दिन बाकी है, इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, वीडियोस को देखते रहिए. और मैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ. ये क्लासेस फर्स्ट लेवल के लिए 15 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, तो आपके जूनियर्स जो भी है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है. आपके जूनियर्स है तो आप उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए. ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.